नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल न्यूज़ी वर्ल्ड में और मैं हूं आपके साथ प्रिंती कुलश्रेष्ठ। तो चलिए शुरू करते हैं आज के कुछ बॉलीवुड मसालेदार खबरों के साथ। सूर्यवंशी का प्रमोशन शुरू हो चुका है। इसी बीच कैटरीना कैफ ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक बेहद मजेदार वीडियो शेयर की है। डायरेक्टर रोहित शेट्टी के निर्देशक में बनी सूर्यवंशी का प्रमोशन शुरू हो चुका है। फिल्म के लीड एक्टर अक्षय कुमार और कैटरीना कैफ अपने अपने अंदाज में फिल्म के प्रमोशन में जुट गए हैं। फिल्म के लिए जितने ही फैंस एक्साइटेड हैं उतनी ही फिल्म की कास्ट भी। इसी बीच कैटरीना कैफ ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे एक वीडियो शेयर की है जिसमें अक्षय कुमार भागते हुए गिरते हुए नजर आ रहे हैं। आइए देखते हैं क्या है वो वीडियो। So guys, it's the first day of promotions for Suryavanshi and I've never seen Rohit sir and Akshay so excited. They are raring to go. They're full of energy. They're just like, so excited. I mean, just look at them. Don't report this. No, I'm not. And even if you wake up at 5 in the morning, then you're going to feel tired. What's wrong with you, Trina? I'm not recording. I'm just showing you how you look. Doesn't look nice. We have a reputation to what is it? What reputation? What's wrong with you? Don't record, man. Get out. क्यों किया बॉलीवुड ने भुवन बाम को रिजेक्ट? यूट्यूब पर ढिंडोरा सुपर हिट। हम आपको बता दें ढिंडोरा के अब तक 2 एपिसोड रिलीज हो चुके हैं। पहले एपिसोड को एक ही हफ्ते में 3 करोड़ से ज़्यादा बार देखा गया जबकि दूसरे एपिसोड को एक दिन में 1 करोड़ से ज़्यादा बार देखा गया। इसके हर एपिसोड हर गुरुवार को रिलीज हुआ करेंगे। यूट्यूब के फेमस कंटेंट क्रिएटर भुवन बाम की ढिंडोरा सीरीज ने यूट्यूब पर जबरदस्त बकाल मचा रखा है और इस सीरीज के एक एक एपिसोड को 24 घंटे में 1 करोड़ से ज़्यादा बार देखा गया है। भुवन बाम के 2 दिलचस्प कैरेक्टर टीटू मामा और समी ने लोगों को इस सीरीज में हंसा हंसा कर लोटपोट कर दिया है। ऐसे में भुवन बाम ने अपनी सफल वेब सीरीज को लेकर कहा है कि उन्हें इसके पीछे 3 साल मेहनत की है इसलिए वो किसी का भी इंतज़ार नहीं कर सकते थे। उन्होंने कहा है कि फिल्मों में काफ़ी कोशिश के बाद भी ऑडिशन में उनको नहीं सेलेक्ट किया गया क्योंकि शायद उनको मेरी एक्टिंग पर भरोसा नहीं था। तारक मेहता शो में बबीता जी का किरदार निभाने वाली मुनमुन दत्त की जेठालाल के बेटे टप्पू के साथ अफेयर की अफवाह बनी हुई है। इसी बीच दोनों की साथ में एक फोटो काफी वायरल हो रही है। कुछ समय पहले तारक मेहता शो के 2 पॉपुलर कैरेक्टर मुनमुन दत्त और राज की डेटिंग की खबरें खूब वायरल हो रही थी लेकिन दोनों ने ही इस खबर को गलत बताया था। डेटिंग की खबर के बीच अब मुनमुन दत्त और राज की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। फोटो में मुनमुन और राज एक दूसरे के हाथ पकड़ते हुए नजर आ रहे हैं। धूम 2 रही जैसे फिल्म में नजर आने वाले अभिनेता यूसुफ हुसैन का 73 वर्ष की आयु में कोविड-19 के कारण से निधन। दिग्गज अभिनेता यूसुफ हुसैन का 73 साल की उम्र में कोविड-19 के कारण लीलावती अस्पताल में निधन हो गया है। उनके दामाद हंसल मेहता ने अपनी ताज़ा सोशल मीडिया पोस्ट में इस खबर को साझा किया है। हंसल मेहता ने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट पर यूसुफ की फोटो के साथ इस खबर को साझा किया है। आज के लिए बस इतना ही। बॉलीवुड की न्यूज़, क्राइम न्यूज़ और लेटेस्ट अपडेट के लिए जुड़े रहें और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल न्यूज़ी बर्ड।